हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज सोया चाप बनाएंगे जो कि बहुत टेस्टी होने वाला है। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप उन्हें घर पे बनाया या होटल से मंगाया है। तो आपको मैं बहुत सरल तरीके से सोया चाप बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू कर लिए। अब चाप बनाते हैं। ये चाप मैंने गर्म पानी में एक पतीले में डाल दिए हैं। थोड़ी देर पकने देंगे इनको गर्म पानी में। तब तक हम एक कढ़ाई में चाट मसाला, दही और गरम मसाला, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और ये काली मिर्च पाउडर, इनको अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि एकदम से मिक्स ना हो जाए। एक बड़े चम्मच में मैंने तेल गरम करके इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिला दिया है। ये चाप की सारी पत्ती निकाल देंगे और इस मसाले में डाल देंगे। इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के, आधा नींबू निचोड़ दिया है मैंने। इसमें धनिया और पुदीने के पत्ते काट के भी डाल दिए हैं ताकि अच्छे से खुशबू भी आए, पाचन में भी अच्छा होता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। एक पैन में तेल गरम करके इसमें सारे ये जितने आपके पैन में आते हैं ये डाल देंगे इसमें चाप, और इनको अच्छे से भूनेंगे गोल्डन होने तक। ये अच्छे से भुन चुके हैं, देखो कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसको एक एक करके निकाल देंगे। ये देखो ये सारे निकाल दिए हैं। ये देखो अच्छे से बन चुके हैं। अब इनके तीन तीन पीस कट कर देंगे। आप अपने हिसाब से काट लेना छोटे बड़े। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, खड़े मसाले डाले हैं ब्राउन होने तक भून के, उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी ब्राउन होने तक भूनेंगे। ग्रेवी ही इसकी मेन होती है, ग्रेवी बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, इसको भी अच्छे से भूनना है ताकि इसमें कच्चापन ना आ रहे। नारियल घिसा हुआ डाला है आधी कटोरी, इसको भी अच्छे से भूनेंगे खुशबू आने तक। उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को ढक देंगे पकने के लिए हल्का सा नमक डाल के। और ये हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम चाप मसाला, दही, इसको अच्छे से मिक्स करके, दही एकदम इसमें मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद एक दो मिनट चलाएंगे। जब इसमें एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद 5 मिनट ढक देंगे पकने के लिए। और ये हमारी ग्रेवी एकदम तैयार हो चुकी है, तेल अलग हो चुका है। और देखो कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है। इसमें हम अब चाप के कटे हुए पीस डाल देंगे और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर बना के देखना गाइस, देखो कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। अब ये खाने के लिए एकदम तैयार है। थैंक यू सो मच।